नमस्कार, मैं हूं नरेश एस्ट्रोलॉजर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल। और आज का वीडियो है दैनिक राशिफल के बारे में। 11 अगस्त 2018 राशि चक्र की प्रत्येक राशि के लिए यानी कि आपके लिए दिन कैसा रहेगा इसके बारे में। तो सर्वप्रथम बात करेंगे आज के पंचांग के बारे में। तो पंचांग इस प्रकार है, विक्रम संवत 2074 आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि है। शनिवार नक्षत्र अश्लेषा है, रात को 12:05 तक यानी कि पूरा दिन अश्लेषा नक्षत्र चलेगा। योग व्यतिपात है सुबह 11:44 तक। करण की स्तुग्न है और चंद्र राशि कर्क है, रात को 12:05 तक। उसके बाद राशि चालू होती है सिंह, यानी कि पूरा दिन कर्क राशि रहेगी। और आज जो सूर्य ग्रहण भी है इसको बोलते हैं खंड का सूर्य ग्रहण, हालांकि ये भारत में से दिखने वाला नहीं है। ग्रहण का इफेक्ट प्रत्येक राशि के ऊपर कैसा होगा इसके बारे में हमारा वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है साइट चैनल के ऊपर। तो आपसे गुजारिश है कि आप ज़रूर देखें ग्रहण का वीडियो, क्या ग्रहण आपके लिए कैसा रहेगा। फिलहाल बात करते हैं इस प्रेडिक्शन के अंदर, आज के प्रेडिक्शन के अंदर 11 अगस्त 2018 नक्षत्र अश्लेषा प्रत्येक राशि के लिए आज का दिन कैसा है। तो सर्वप्रथम मेष राशि के लिए आज चंद्र चतुर्थ भाव के अंदर हैं। चौथे स्थान के चंद्र जो हैं वो अननेसेसरी चिंता टेंशन क्रिएट करवाने वाले होंगे। दूसरी राशि जो वृषभ राशि है इनके लिए चंद्र आज पराक्रम स्थान के अंदर हैं, आपको नए साहस करवाएंगे, नए साहस से आपको लाभ रहेगा। तीसरी राशि मिथुन राशि के लिए थोड़ा चिंता टेंशन वाला दिन है, आज आपको फैमिली की ओर से टेंशन मिल सकता है, फाइनेंस रिगार्डिंग मैटर के अंदर भी टेंशन आ सकता है। कर्क राशि वाले जो भी जातक हैं इनके लिए दिन मध्यम फलदायी रहेगा, क्योंकि चंद्र आपकी राशि के अंदर है लेकिन आज अमावस्या है जिसके कारण चंद्र बल आज आपको नहीं मिलेगा। रिलेशनशिप में खास करके केयर करना होगा आपको अपने पार्टनर के साथ। सिंह राशि वाले जो भी जातक हैं इनके लिए चंद्र 12वें स्थान के अंदर हैं, 12वें चंद्र शुभ नहीं माने जाते हैं। लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने का आता है तो आपको जल्दबाजी में आज नहीं लेना चाहिए। कन्या राशि वाले जो भी जातक हैं इनके लिए आज 11वें स्थान के अंदर चंद्र हैं, दिन आपके लिए शुभ है, मित्रों से लाभ रहेगा, स्त्री मित्रों से लाभ रहेगा। तुला राशि वाले जो भी जातक हैं इनके लिए भी दिन शुभ है, चंद्र 10वें चंद्र जयकर्ता माने जाते हैं, लेकिन जो कोई भी जातक का जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ है इनके लिए आज का दिन थोड़ा ज़्यादा चिंता टेंशन वाला होगा, और ये चिंता टेंशन अपने बिजनेस के करियर के रिगार्डिंग हो सकता है। वृश्चिक राशि वाले जो भी जातक हैं इनके लिए चंद्र भाग्य स्थान में है, छोटी छोटी यात्राओं से आपको लाभ करवाएंगे। धनु राशि वाले जो भी जातक हैं इनके लिए चंद्र अष्टम स्थान के अंदर है, 8वें चंद्र शुभ नहीं माने जाते हैं। पानी से बचना होगा, व्हीकल ड्राइव में केयर करना होगा, और जो कुछ भी आप कार्य कर रहे हो सोच समझ के करें, जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें। मकर राशि वाले जातकों को खास करके अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में केयर करना होगा। और कुंभ राशि वाले जो भी जातक हैं इनके लिए आज दिन शुभ है, रोग शत्रु पर विजय रहेगा, आज आपके शत्रु विजय योग बन रहा है। और राशि चक्र की 12वीं राशि मीन राशि के लिए आज का जो चंद्र है वो पंचम स्थान के अंदर है, तो संतान रिलेटेड आपके कार्य हो सकते हैं, अननेसेसरी चिंता टेंशन आपका थोड़ा बढ़ सकता है। ये चिंता टेंशन आपके संतान के लिए भी हो सकता है, लव मैटर में डिसअपॉइंटमेंट के लिए भी हो सकता है, या तो मित्रों के साथ रिलेशनशिप में तनाव के लिए भी हो सकता है। तो आज का जो नक्षत्र है वो अश्लेषा है, तो आज का लकी कलर रहेगा ग्रीन, और घर से आपको हरा वाला मूंग खा के निकलना चाहिए। कपड़े के अंदर भी हरा कलर का कपड़ा यूज कर सकते हैं पहनने के अंदर। तो आज सूर्य ग्रहण भी है तो दिन आपको शांति से पास करना है। ग्रहण हालांकि भारत में से दिखने वाला नहीं है इसलिए ग्रहण का पालन नहीं करना है।
यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, चैनल सब्सक्राइब करके साथ में बेल का आइकन बटन भी दबाएं ताकि हमारे चैनल की ओर से जो भी नए वीडियो अपलोड होते हैं उसकी आपको तुरंत जानकारी मिले। यदि आप अपना पर्सनल हॉरोस्कोप कंसल्टेशन करवाना चाहते हैं तो नंबर अवश्य नोट करें, इस नंबर पर व्हाट्सएप भी अवेलेबल है। नंबर इस प्रकार है 9998011838, यानी कि 9998011838। आप जहाँ भी रहो खुश रहो प्रसन्न रहो ऐसी हार्दिक शुभकामना के साथ नरेश एस्ट्रोलॉजर का जय गणेश।